जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो चार आदतें हैं, ये चार आदतें हम जाने अनजाने में करते हैं और इससे हमारे घर में अशुभ लक्ष्मी और कई सारी जो हमारी परेशानी है उनका जड़ है ये चार आदतें। ये कौन कौन सी आदतें हैं और ये आदतें हमें कोई बताता भी नहीं है, हम जाने अनजाने में इन्हें करते रहते हैं और इसके कई सारे नेगेटिव परिणाम हमें मिलते रहते हैं। तो कौन सी आदतें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि इन चार आदतों में से एक न एक आदत आप ज़रूर आपके साथ होगी जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद सुधार सकते हैं और अपने कई सारी परेशानियों को अपना आप हल निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करूं और हम बात आगे बढ़ाएं हमारी, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिलते रहेंगे। दूसरी बात है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे और कमेंट्स बॉक्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर आप लिख कर रखें। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि दरअसल ये चार आदतें कौन सी हैं जिनसे कि हमें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जो आदत है जिस पर हम बात करेंगे वो है दोस्तों कि जब भी हमारे जो खास हों, मतलब जिन लोगों के प्रति जिनके लिए हम जीवन जी रहे हैं, जैसे घर में माता पिता, दोस्त, बहुत खास दोस्त या बहुत सी जो हमारे खास लोग होते हैं जिनके, और ऐसे हर एक व्यक्ति के चार पांच लोग ही होते हैं, बहुत कम लोग ही होते हैं जो दिल को अटैच करते हैं या जो हमारे खास होते हैं, तो जब भी वो कभी किसी भी विषय को लेकर बात कहें या किसी बात को लेकर हमारे दोनों के बीच संवाद हो, कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमियाँ हो जाती है, तो जब भी जिस भी व्यक्ति से आप बहुत प्यार करें, बहुत सम्मान करें, तो अगर उन्हें कोई गलतफहमी है और उस समय अगर कुछ विवादित स्थितियाँ या गुस्से की स्थिति बन रही है तो प्लीज़ दोस्तों आप शांत हो जाए, उस समय चीज़ों को बैठ कर सुलह कर हम संभाल सकते हैं। अब होता ये है कि उन्होंने तेज किया, उन्होंने कुछ बात कही और आप उसे समझना पसंद नहीं करते हैं और दोनों, क्योंकि बात होती गलत फहमियों के बीच ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए पलट कर जवाब न दें, क्योंकि उस समय आवेश में और क्रोध में आकर हम बहुत सारी बातें कर देते हैं लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ होता नहीं है किसी के लिए। तो ये बात अपनी गांठ आप मान लेना इस आदत को कि जब भी जो खास लोग हैं हमारे जीवन में उनसे जब भी विवादित स्थितियाँ बने, विवादित स्थितियाँ मतलब किसी भी विषय को लेकर अगर वो कुछ कह रहे हैं उसे समझें, सोचें और उस पर काम करें, न कि उस पर आप अपना मन मुटाव या उनसे, यह जरूर है जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई झगड़ा होते हैं वो एक अलग वे है, पर बहुत सारे ये केसेस में बहुत सी चीज़ें इस तरह के ही। दूसरे वो लोग जो आदत जो बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है मैंने, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तो प्लीज़ ये आदत अगर कोई दोस्त हो यार हो जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल है, प्लीज़ उनके साथ उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि जहाँ देवी का जहाँ महिलाओं का सम्मान है देवी वहाँ ईश्वर का सम्मान है और वहाँ ईश्वर। तीसरी बात है कोई भी नशा न करें और चौथी और मुख्य जो बात है कि आप अपने इष्ट और गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।